नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपने घर वालों को लल्ला और आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। चुनावों में मिली एक और हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने राजनीति छोड़कर मिठाई के धंधे में जाने का फैसला किया है, जिसके बाद 1 मार्च से देश भर में फैले सभी कांग्रेस मुख्यालयों में झंडे पोस्टर्स हटाकर वहां मिठाई की दुकान खोली जाएंगी। इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए सीधा चलते हैं मेरी बड़ी बुआ के छोटे लड़के रिंकू जिया के पास, जो खुद 50-50 रुपए में ट्रॉली में बैठकर किसी की भी चुनावी रैलियों में जाते रहे हैं। रिंकू, राजनीति छोड़ने का फैसला तो समझ में आता है, मगर कांग्रेस पार्टी ने मिठाई की दुकान खोलने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे क्या बसूरी है? रिंकू, इसके पीछे काफी इमोशनल वजह है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि वो कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि कभी हम भी कोई चुनाव जीते और लोगों का मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई की दुकान पर जाएं। और अब हम जब कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो कम से कम मिठाई की दुकान खोलकर हर रोज लोगों का मुंह तो मीठा करवा ही सकते हैं। वो तो ठीक है बेटा रिंकू, मगर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का क्या करेगी? अब सारे कार्यकर्ताओं से तो वो दुकान में पिनिया नहीं बनवा सकते। रिंकू, पार्टी ने फैसला किया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को दूसरी पार्टियों की जीत पर नाचने के लिए किराए पर देंगे। वैसे भी काफी टाइम से कांग्रेसी दूसरों के जीत पर ही नाच रहे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ नाचने के लिए ढोल भी कांग्रेस पार्टी ही देगी। ये सारे ढोल रॉबर्ट डोगरा की दुकान से किराए पर लेने होंगे। वैसे भी ढोल से इनका पुराना रिश्ता है, वही ढोल जिसने कांग्रेस की दफली बजा रखी है। बीजेपी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एक न्यूज एंकर ने कल एक लाइव बुलेटिन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एंकर ने कहा कि अगर पार्टी की ऐसी हार हुई तो इसका मतलब है कि उसकी ही कोशिशों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। ये बोलते बोलते एंकर भावुक हो गया और सामने रखी टेबल पर खुद ही मुर्गा बन गया। इतना ही नहीं, उसने 3 बार कुकड़ुकू की आवाज भी निकाली और 2 अंडे भी दिए। आपको बता दें कि एंकर के इस्तीफे के बाद असली बीजेपी नेताओं पर काफी दबाव बढ़ गया है, क्योंकि रिंकिया के पापा से लेकर चिंकिया की मम्मी तक किसी बीजेपी नेता ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने दिल्ली चुनावों में कांग्रेस को वोट देने वालों की दिमागी जांच करने के लिए कुछ लोगों को अपने खर्चे पर अमेरिका बुलाया है। यूनिवर्सिटी के चांसलर का कहना है कि जब एलियंस तक को यह खबर लग गई थी कि कांग्रेस 1 भी सीट नहीं जीतने वाली, फिर कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट क्यों डाला। इस बीच शुरुआती जांच में कांग्रेस को वोट देने वाले इन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी होने का पता लगा। देखिए, हमें पता चला है कि ये लोग पहले भी अलग अलग तरीके से आत्महत्या करने की कोशिश कर चुके हैं। इनमें से कोई बिजली की नंगी तार से खान को जाता है, कोई चाय में दूध की जगह फिनाइल मिलाकर पीता है, कोई IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद फरीदाबाद के पिंकी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का जिंदगी से भरोसा उठ चुका है। ये मौत को गले लगाना चाहते हैं, इसलिए शायद इन्होंने इस बार कांग्रेस को भी वोट दिया था। आज हिंदुस्तान का युवा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, और बेरोजगारी का सपना देखता है।